असहिष्णुता को लेकर साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के विरोध पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह की टिप्पणी, बहस शुरू करने वालों को मिले पैसे। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर निकाली अपनी भड़ास। नागपुर में कहा, जितना बोलना था बोल दिया, बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, अगर सच कहना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी को लिखी चिट्ठी, अंद्राबी को दिया समर्थन का भरोसा। आतंकी हमलों को लेकर फ्रांस के कई शहरों में पुलिस की छापेमारी, टाउलाउज शहर से 3 लोग लिए गए हिरासत में। आईएसआई से जुड़े लोग हैं निशाने पर, फ्रांस के छोटे शहरों में भी तलाशी तेज, साजिश में शामिल जिंदा आतंकियों की खोज। बेल्जियम के गृह मंत्री ने कहा, आईएस के आतंकी प्लेस्टेशन 4 के जरिए कर रहे हैं संवाद, निगरानी रखना मुश्किल। पेरिस आतंकी हमले के बाद अभिनेत्री पोर्टमैन और निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने रद्द किया अपना दौरा। आज फ्रांस में होना था फिल्म जेन गॉट अ गन का प्रीमियर। 10 महीने पहले पेरिस के अखबार दफ्तर में हुए हमले पर बनी फिल्म मेड इन फ्रांस का रिलीज कैंसिल, 18 नवंबर को रिलीज होनी थी फिल्म। पेरिस हमले के 2 दिन बाद आईएसआईएस के खिलाफ फ्रांस ने की बड़ी कार्रवाई, अमेरिकी सेना की मदद से आतंकी संगठन के कई ठिकानों पर बरसाए गए बम। जानकारी के मुताबिक 10 लड़ाकू विमानों ने की बमबारी। पेरिस में शुक्रवार को हुए हमले में मरने वालों की संख्या 132 हुई, जिसमें से 30 शवों की अब तक शिनाख्त नहीं। इस हमले में बेल्जियम के कुल 7 संदिग्ध गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक पेरिस हमले में 3 भाई थे शामिल, जिसमें से 1 भाई की मौत, दूसरा गिरफ्तार, जबकि तीसरे के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं। कटी हुई उंगली से एक आतंकी का खुला राज। फ्रांस के उमर इस्माइल मुस्तफई के तौर पर हुई पहचान, उसके पिता और भाई समेत 6 लोग पेरिस पुलिस की गिरफ्त में। पेरिस में जांच एजेंसियों का खुलासा, नेशनल स्टेडियम में घुसने की फिराक में थे 3 आतंकवादी, नाकाम रहने पर खुद को उड़ाया। फ्रांस पुलिस ने एक संदिग्ध की तस्वीर जारी की, ब्रसेल्स का रहने वाला बताया जाता है संदिग्ध अब्देस्सलाम साला। पेरिस में रविवार की शाम एक बार फिर मची अफरा तफरी। कैरोलिन कैफे के पास श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों को किसी अफवाह को लेकर मचा हड़कंप। सतर्क सुरक्षा बलों ने भी संभाला मोर्चा। अफरा तफरी की वजह से अब तक वजह उसकी साफ नहीं। पेरिस हमले में इस्तेमाल कार को बरामद किया गया, सुरक्षा बलों ने कार के शीशे तोड़कर की जांच। चश्मदीदों के मुताबिक कार से बड़ी मात्रा में हथियार मिले। तुर्की में भी आईएसआईएस ने रची साजिश, बहुमंजिला इमारत में छिपे आत्मघाती हमलावर ने पकड़े जाने से पहले ही खुद को उड़ाया। धमाके में 4 पुलिस वाले हुए घायल। खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकी के ठिकाने पर रेड डालने पहुंची थी पुलिस। जर्मनी के बर्लिन में भी पेरिस में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति जोशिम गाउक और चांसलर एंजेला मर्केल ने माल्यार्पण कर रखा मौन। फ्रांसीसी दूतावास के बाहर भी दी गई श्रद्धांजलि। गम में डूबे लोगों ने फूल चढ़ाकर और कैंडल जलाकर मारे गए लोगों को किया याद। पेरिस पर हुए हमलों के गम में छलके मैडोना के आंसू। स्टॉकहोम में एक शो के दौरान दर्शकों से कहा, मंच पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना हो रहा है मुश्किल। G20 में शामिल हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, पेरिस पर हमला, सभ्य दुनिया पर है हमला। G20 के दौरान करीब 30 मिनट तक अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की मुलाकात। खबरों के अनुसार दोनों में सीरिया यूक्रेन को लेकर हुई बात। सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की अमेरिकी राष्ट्रपति ने की तारीफ। आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में मदद करने वाले देशों का किया स्वागत। G20 समिट में कल 20 राष्ट्रों के अध्यक्षों ने मौन रखकर पेरिस हमले में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि। आज दूसरे दिन IMF में सुधार और एंटी करप्शन से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। अंटालिया एक्शन प्लान पर भी आज होगा विचार। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले के लिए भारत की पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 में 7 सूत्रीय प्रस्ताव रखा। G20 सम्मेलन से पहले नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों की बैठक में लिया हिस्सा। कहा, आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होना होगा।
वन रैंक वन पेंशन को लेकर केंद्र के खिलाफ अंबाला में पूर्व सैनिकों का प्रदर्शन, कहा अधिसूचना में कई खामियां, देश भर में करेंगे प्रदर्शन। अब मैगी के मुकाबले बाजार में दिखेगा पतंजलि का आटा नूडल्स, दिल्ली में आज बाबा रामदेव ने किया लॉन्च। यूपी में अपराधियों में कानून का खौफ नहीं के बराबर, कानपुर में नाबालिग के साथ गैंगरेप। बाड़मेर में अनबन के दौरान प्रॉपर्टी कारोबारी की हत्या, शहर में तनाव, आरोपी गिरफ्तार। मध्यप्रदेश ग्वालियर में ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का मुखिया अश्विनी श्रीवास्तव एमबीए पास, मरणापुरम गोल्ड स्कीम में जमा कराता था चोरी के गहने। मुंबई में बीती रात एक कंपनी में लगी भीषण आग, कई घंटों की मेहनत के बाद दमकल की बाज गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, सारा सामान खाक, किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। दो दिन से बंद थी कंपनी। दिल्ली के गांधीनगर में कपड़ा व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट, बाइक सवार 3 लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम, रुपए छीन कर 3 फरार, केस दर्ज कर पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली के नेप सराय में डीयू के 2 छात्रों की पिटाई को लेकर लोगों में गुस्सा, पुलिस के खिलाफ जमकर लोगों ने नारेबाजी की। दिल्ली के अशोक विहार में चाकू के दम पर एक के बाद एक लूट की 5 वारदात को अंजाम देने वाले गिरफ्तार, एक नाबालिग को भी पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में हाईवे पर ट्रकों के 6 लुटेरे गिरफ्तार, लाल बत्ती लगी गाड़ी में खाकी पहनकर लूटते थे। ग्रेटर नोएडा में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक की हत्या की, अभी तक आरोपियों का कुल सुराग नहीं। पूर्वी दिल्ली के कोंडली में छठ पूजा के लिए घाट बना रहे 2 युवकों की नहर में डूबने से मौत, घर में मातम। फरीदाबाद में एक शख्स और उसकी पत्नी की मिट्टी में दबकर मौत, झुग्गी के लिए मिट्टी खोद रहे थे। यूपी के बागपत में हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 3 की मौके पर ही मौत। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीती रात एक गांव में भीषण आग लग गई, 80 घर जलकर खाक, पूरी रात आग बुझाने का काम चलता रहा, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तमिलनाडु में बारिश की वजह से कई ट्रेनों के बदले गए रूट, लगातार बरसात से पूरे राज्य में भारी तबाही। कांचीपुरम में बारिश की वजह से भरी झील में हादसा, प्रताप फिसल कर झील में गिरे, बचाने गए दोनों बेटों की मौत। मध्य प्रदेश के हरदा में गांव नाव डूबने से 2 लोगों की मौत, 3 अब भी हैं लापता। कर्नाटक के कुशालनगर में हाथियों का महोत्सव, कावेरी नदी के तट पर लगा मेला। ताज की नगरी आगरा के आसमान पर उड़ रहे रंग बिरंगे गुब्बारे, एयर बलून फेस्टिवल का किया गया है आयोजन। शुरू हो चुका है महापर्व छठ का त्योहार, आज व्रती करेंगी खरना, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी रख रही हैं छठ का व्रत। छठ के मौके पर सहरसा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की टीम सड़क पर उतरी, चौक और चौराहों पर झाड़ू लगाकर की सफाई। अभिनेत्री हेजल कीथ ने युवराज सिंह के साथ सगाई की खबर पर लगाई मोहर, युवी के साथ अपनी तस्वीर भी ट्वीट की। अपने नए टीवी शो के प्रमोशन के लिए मुंबई लोकल में सफर करते नजर आए अमिताभ बच्चन, सेकंड क्लास में लोगों के बीच बैठे बिग बी, अपने साथ महानायक को देखकर हैरान रह गए यात्री। मऊ में एक्ट्रेस सलमा आगा ने कहा, मुझे कोई पाकिस्तानी कहता है तो होती है तकलीफ, हिंदुस्तान में मिली मोहब्बत और शोहरत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। Ni sa ga ma 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 ni pa ma ga ni pa ma ni pa ma ga sa ni pa ma ni sa pa sa j
जहां तक याद याद आती रहेगी।